अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये आखिर मिस्ट्री क्या है, ये आज हम क्लियर कर देंगे। इसी तरह जैसे हमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ नहीं आती, इसी तरह वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अच्छा, सबसे पहले कि हम इस इन दोनों के डिफरेंस जाने वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, हम आ जाते हैं आपके एग्रीमेंट में। सो एग्रीमेंट का मैंने बड़ा एक सिंपल एक फार्मूला बना लिया आप लोगों की, जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है उसी तरह। सो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, इफ यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन। सो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है प्रपोजल। अच्छा, प्रपोजल वही चीज़ होती है जो ऑफर होता है। सो ऑफर प्रपोजल वर्ड एक जैसे होते हैं, प्रपोजल ऑफर। सो एग्रीमेंट होता है प्रपोजल प्लस आपका एक्सेप्टेंस इक्वल्स अ प्रॉमिस। सो आपका ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, वो क्या बन गया? वो बन गया आपका प्रॉमिस। और प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। सिंपल। उसके बाद एग्रीमेंट बन गया आपका, यहाँ एग्रीमेंट इक्वल्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये एक सिंपल फॉर्मूला हमने आज पढ़ लिया है, इसको आप लोग बेशक पिक्चर ले लें। अब हम आ जाते हैं कि किस कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं विच कंटेन्स ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। असेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जो लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, देयर शुड बी सर्टेन मीनिंग, द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी सर्टेन, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द स्टैट्यूट, एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। सो ये जब चीजें होंगी तो आपके असेंशियल एलिमेंट्स हो जाएंगे और तब कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो वैलिड हो जाएगा। नाउ कमिंग टू इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, टू काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो तरह के आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक आ जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि नल एंड वॉइड, एब इनिशियो, मतलब कि वो कभी इन्फोर्सिबल एट लॉ हो ही नहीं सकता, वो नल होता है। वो क्यों नल होता है? क्यों? क्योंकि वो ये सारी कंडीशंस जो एसेंशियल्स हैं वो पूरी नहीं कर पाता, उनमें से कोई एक मिसिंग होती है या वो सारी मिसिंग होती है, कोई भी एक मिसिंग होती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है विच इज एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव पार्टी, वो वॉइडेबल हो सकता है। सो वो इन्फोर्सिबल एट लॉ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो ये हमने अभी पढ़ लिया काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलते हैं कि इन दोनों के बीच में वॉइड और वॉइडेबल के बीच में डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि शुरू से ही दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये हो गए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Voidable contract, enforceable by law at the option of the parties. They are enforceable but at the option of the parties. So ये cannot be enforceable. ये है ही नहीं, और इसके ये है कि they are enforceable at the option of the parties. Number two difference है, void contract does not give rise to any mutual rights and obligations between the parties. वो mutual rights and obligations arise ही नहीं होती हैं अगर contract void होता है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इफ इट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, तो फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाएंगी। नंबर थ्री डिफरेंस है कि वॉइड शुरू से वॉइड एब इनिशियो होता है, नल एंड वॉइड होता है, उसका कोई चांस ही नहीं होता कि वो आगे बढ़ सके या वो इन्फोर्सिबल एट लॉ हो सके। हाउएवर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इट डजंट बिकम वॉइड Unless the party at whose option it is voidable. So ये जब तक void नहीं बनेगा, जब तक के जिस party के, मैंने आपको ऐसे कहा कि unless the party at whose option the contract is voidable. Sorry. So ये party के option पे। Number fourth, void वो contracts होते हैं जब object element is unlawful. So object और element ही आपका unlawful हो तो वो contract void हो जाएगा, voidable नहीं होगा, void हो जाएगा। object और आपका element unlawful हो,
कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना, जैसे कि आपकी ये जुआ गैम्बलिंग वगैरह के हॉर्स बेटिंग की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं शुरू से. हाउ एवर वॉइडेबल का फोर्थ डिफरेंस है कि फ्री कंसेंट नहीं होता. जैसे कि आप प्लीज जाके मेरा वो लेक्चर जरूर सुने कंसेंट का, जहाँ फ्री कंसेंट नहीं होता वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, वॉइड नहीं होता. वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी. सो पार्टीज के पास ऑप्शन होती है कि क्या वो उसको वॉइड करें या वो उसको वॉइडेबल. मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के होते हैं जो कि वॉइड होते हैं, एक्सप्रेसली वॉइड होते हैं, एंड एक्सप्रेसली उनका एक प्रोविजन है लॉ में लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि जिनका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, विद अनलॉफुल कंसिडरेशन, विदाउट अ कंसिडरेशन, आपकी इम्पॉसिबल टू डू समथिंग, टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, जैसे कि मैंने मार्स जुपिटर का एग्जाम्पल दिया था, और एग्रीमेंट्स विच आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. तो ट्रेड को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट बनता है वो वॉइड होगा. मैरिज को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट बनेगा वो वॉइड होगा. लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए जो एग्रीमेंट बनेगा वो वॉइड होगा. सो जो है, और अगर पार्टीज की मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, जैसे मैंने आपको हॉर्स की एग्जाम्पल दी थी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, अगर मैंने किसी को वादा किया कि मैं तुम्हें घोड़ा देना और वो आके हॉर्स के पैसे देने के लिए आता है लेकिन हॉर्स इज डेड, सो वट हैपन्स, देर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द हॉर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज मिसिंग, ही इज डेड. सो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर रिटन इन लॉ दैट इन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड बिल या वैलिड हो ही नहीं सकता, वो हमेशा वॉइड रहेगा. सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू.